एमपी ऑनलाइन द्वारा आधार पंजीयन का कार्य चालू रखने, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से अनुमति दिलाई जाने और एमपी ऑनलाइन स्टेट रजिस्ट्रार और स्टेट आधार एजेंसी नियुक्त करने की मांग की। आपका मनीष शर्मा का नाम है। ये हम लोग आधार सेंटर चलाते हैं। करीब पूरे विदिशा ज़िले से 30-40 लोग हैं, आधार वेंडर हैं। कुछ एक्टिव हैं, कुछ काम कर रहे हैं, अभी कुछ इनएक्टिव भी हो गए हैं। तो अभी हम रनिंग कंडीशन 15-16-17 लोग हैं जो अभी काम कर रहे हैं आधार का। तो हम लोग एमपी ऑनलाइन से अथोराइड हैं। एमपी ऑनलाइन के चूँकि अभी 31 मार्च को बोल रहे हैं कि भैया आधार सेंटर बंद कर रहे हैं, बंद हो जाएंगे आपके 31 मार्च। अगर 31 मार्च से हमारे सर आधार कार्ड अगर बंद हो जाते हैं तो हम तो बेरोज़गार हो जाएंगे। और एक तरफ मोदी जी बोल रहे हैं कि रोज़गार लगाओ, पकौड़े बेचो, पर हम जो रोज़गार कर रहे हैं आज वही रोज़गार हमसे छीना जा रहा है। तो हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे साहब। इसलिए हम चाह रहे हैं कलेक्टर साहब से, कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी हमारा सपोर्ट करें, एमपी ऑनलाइन को यथावत कार्य दिलाया जाए। और हम चाह रहे हैं कि एमपी ऑनलाइन का स्टेट रजिस्टर और स्टेट आधार एजेंसी